नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में, जो कि दोस्तों 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस सेल में जो आपको मोबाइल ऑफर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, उस पर दोस्तों काफ़ी स्मार्टफोन की जो प्राइस है दोस्तों वो रिवील्ड हो चुकी है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी फ्लिपकार्ट सेल के बारे में बात करूँगा कि आपको कौन से स्मार्टफोन इस सेल में काफ़ी अच्छे दामों पर मिल रहे हैं, जो दोस्तों आपको इस सेल से लेने चाहिए। अगर आप कोई फ़ोन लेने सोच रहे हो तो आप इस सेल से कौन सा स्मार्टफोन अपने लिए खरीद सकते हो, जो दोस्तों काफ़ी वैल्यू पर बनी हो। तो दोस्तों आज मैं आपको कैटेगरी बाई कैटेगरी बताऊंगा कि आपको दोस्तों कौन सा फ़ोन अपने लिए लेना चाहिए, कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा इस सेल के अंदर। क्योंकि दोस्तों काफ़ी स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनकी प्राइस फ्लिपकार्ट सेल में रिवील्ड हो चुकी है, यानी खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है, जिससे दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा आपके ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं फ्लिपकार्ट के ऊपर और आपको दिखाऊंगा यहीं पर हर फोन के बारे में कि मैं किन किन फ़ोन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों पहले ऑफर की बात करें तो ये मिल रहा है दोस्तों आपको आईफोन SE के ऊपर। दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल रहा है सिर्फ 24,500 रुपये का। इसकी बेसिक प्राइस अभी है 35,000 रुपये समथिंग, बट अभी ये आप सेल के अंदर मिल जाएगा आपको 24,500 रुपये का। और दोस्तों जो भी मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, जब बैंक डिस्काउंट लगा के बता रहा हूँ, तो आप जो मत सोचना कि इतना कम कैसे हो जाएगा, आपको बैंक डिस्काउंट मिलेगा उसी को लगाकर आपको ये जो प्राइस है वो मिलेगी। दोस्तों आईफोन उनके लिए है जिनको सिर्फ आईफोन ही पसंद आते हैं, उनको किसी और फ़ोन में भरोसा नहीं होता। अब दोस्तों दूसरे ऑफर की बात करता हूँ मैं, तो जिन लोगों को ज़्यादा गेमिंग करनी होती है जो उनके लिए है, दोस्तों पोको X3 प्रो आपको सिर्फ 14,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको इसमें बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको इसके ऊपर दोस्तों एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा या प्रीपेड ऑफर भी दोस्तों मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 14,500 रुपये मिल जाएगा, पोको X3 प्रो। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, जिन लोगों को गेमिंग करनी होती है वो लोग इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है और काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है, और ऊपर से दोस्तों 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो आपको गेमिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बट याद रहे दोस्तों ये थोड़ा हैवी लगता है, मोटा है, और प्लस इसके कैमरे दोस्तों ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बट अगर आपको गेमिंग करने का ज़्यादा शौक है तो आप इस फ़ोन से जा सकते हो, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करूँ तो ये हाल ही में रियलमी ने लॉन्च किया है, जो दोस्तों Realme 8i। इसकी प्राइस दोस्तों वैसे तो 13,000 रुपये समथिंग है, ये आपको मिल रहा है सिर्फ 12,000 रुपये में, और बैंक प्राइस लगा हुए तो ये दोस्तों आपको 10,799 मिल जाएगा, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस है, जिसके अंदर आपको हीलियो का G96 प्रोसेसर देखने को मिलता है, प्लस 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो आप इस फोन से जा सकते हो। बट दोस्तों आपको याद रहे कि इसमें आपको सिर्फ 4GB रैम मिलती है, तो आप इसमें ज़्यादा बड़े गेम नहीं खेल सकते। दोस्तों नेट डील की बात कराऊँ तो ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ सैमसंग के डिवाइस पसंद आते हैं। दोस्तों सैमसंग का F62 ये देखिए जी मिल रहा है आपको सेल के अंदर 16,500 रुपये का। दोस्तों वैसे इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है 20,000 रुपये से ऊपर, बट जी आपको इस सेल में 16,500 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ है इसकी बैटरी, 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, प्लस दोस्तों सैमसंग की ब्रांडिंग है, और इस फ़ोन के साथ दोस्तों आपको 25W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, जो दोस्तों सैमसंग अपने फ्लैगशिप फ़ोनों में ही नहीं देता, वो चार्जर आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिलेगा, और जी आपको सिर्फ 16,500 रुपये मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है सैमसंग लवर के लिए, आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करूं तो वो दोस्तों फिर से गेमिंग के लिए, जिन लोगों को दोस्तों एक हैवी गेम करना है और दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक देखने हैं, तो दोस्तों वो जा सकते हैं पोको F3 GT के लिए। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में मिल जाएगा 25,499 रुपये का। बट दोस्तों ये इसके अंदर आपको डायमंड सी का 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो जिन लोगों को सिर्फ दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए जो फ्लैगशिप लेवल में आता हो और काफ़ी अच्छा फ़ोन हो पोको की तरफ से, तो आप इस फोन से जा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करूं तो वो आ रही है दोस्तों पोको M2 प्रो। दोस्तों ये फ़ोन आपको 12,000 रुपये का मिल रहा है सेल के अंदर, स्नैपड्रैगन 720G। दोस्तों ये जो फ़ोन है ये रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स की तरह है, तो आप इस फोन से जा सकते हो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो और दोस्तों जिसके अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले मिले, बड़ी बैटरी मिले, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों अगली डील की बात करूं तो वो है दोस्तों Realme 8S 5G। ये देखिए दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में मिल जाएगा 16,999 रुपये का, 17,000 रुपये का। बट दोस्तों आपको इसमें बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस दोस्तों इसमें आपको
1000 रुपये का दोस्तों देखिए प्रीपेड और एक्सचेंज ऑफर भी देखने को मिल सकता है। ये फ़ोन दोस्तों रियलमी का 8S 5G न्यू लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और दोस्तों बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, अच्छी बैटरी है इसकी। तो आप इस फोन से ले सकते हो अगर आपको रियलमी का एक 5G फ़ोन चाहिए जो दोस्तों न्यू लॉन्च हुआ हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। तो दोस्तों यही वो कुछ फ़ोन हैं जिनकी प्राइस अभी रिवील्ड हुई है। अगर आपको और भी किसी और फ़ोन के बारे में जानना है तो जैसे दोस्तों उनकी प्राइस रिवील्ड होती जाएगी मैं आपको उनके बारे में नई वीडियो बनाकर बताता जाऊँगा। तो दोस्तों आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन पसंद आया जिसे आप इस सेल से लेना चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।